गाइस वेलकम टू टीम क्या है आपके दोस्तों अगर आप चैनल पे पहले बार आ रहे हैं मेरा नाम राजनी है और आज हम आए गोवा में बीचेस नहीं है यहाँ पे हम है ये दूसरे टाइप का गोवा है और मैंने इनफॉर्मल नहीं पूरे पूरे के पूरे फॉर्मल कपड़ों में आया हूँ मैं यहाँ पे क्योंकि हम यहाँ पे मस्ती मजाक करने नहीं आए हम यहाँ पे आए हैं सीरियस काम करने आपके लिए जी हाँ हम आज चलाने आए हैं एक ऐसी गाड़ी जो शायद सड़न लव को वापस ले आए सो हम बहुत मेहनत करके वी आर हैविंग सम फन तो आज हम आपके लिए रिव्यू लाने वाले आप दस लाविया तो अगर आप चैनल पर पहले बार आ रहे हैं मैं कह रहा हूँ सब्सक्राइब राइट अवे वना आप जो अपकमिंग कॉन्टेंट है बहुत सारा एक्साइटिंग कॉन्टेंट है उसे आप मिस कर जाओगे ओके सो स्टार्ट विद द स्टाइलिंग ये गाड़ी जो स्लाविया है बनाई गई है एक नए प्लेटफॉर्म पे, जिस पे कुशाक भी रिसेंटली लॉन्च हुई थी स्कॉडा की उसी पे बनाया गया है तो इन दोनों में इंजिन भी शेयर होते हैं एंड बाकी सारी चीजें सस्पेंशन वगैरह उसमें भी कहीं ना कहीं काफी सिमिलैरिटीज आ जाती है अब क्योंकि ये सेडान है तो इसकी स्टाइलिंग एस जैसी नहीं रहेगी तो इस वजह से अगर आप ऑक्टाविया देखते हैं वहाँ से इसकी स्टाइलिंग थोड़ी बहुत रमिल करेगी फ्रंट ग्रिल की बात कर लो हेड लैम्प्स की बात कर लो बाई हेड लेम्प्स में आपको येल्लो नहीं वाइट प्रोजेक्टर्स आते हैं एंड लो एंड हाई बीम भी दोनों हाई दोनों वाइट ही है एंड आपका जो इंडिकेटर्स है वो येल्लो कलर के बल्ब आते हैं बल्ब है एल ई डीज नहीं है एंड जो फॉग लैम्प्स है वो येल्लो लाइट्स हैं अब इसकी स्टाइलिंग काफ़ी अच्छी है फ्रंट का बॉनेट काफ़ी अच्छा खासा बड़ा है जैसे ही आप साइड की तरफ जाओगे गाड़ी के आप नोटिस करोगे कि ये गाड़ी अच्छी खासी लंबी है और इसका जो सिलुवे है ना वो टिपिकल स्कॉडा लुक है तो ऑक्टाविया सुप uh, इनसे कहीं ना कहीं वो रेजोनेट करता है इन डिजाइन इसमें आपको व्हील बेस की बात कर लूँ तो जो व्हील बेस यानी कि फ्रंट पहिए से पीछे के पहिए तक का जो लेंथ रहता है उसको व्हील बेस कहते हैं ये इस कैटेगरी में सबसे बड़ा है इससे फ़ायदा क्या होता है कि आपको गाड़ी के अंदर ज़्यादा स्पेस मिल जाती है आइडियली और इसकी जो लेंथ है वो होंडा सिटी चुंडई वर्ना की कैटेगरी के, के ज्यादा होंडा सिटी से काफी क्लोज है इसकी लेंथ ज्यादा फर्क नहीं है इन दोनों के लेंथ में एक और एक इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि इसमें आपको 179 सेवेंटी mm का ग्राउंड क्लीयरेंस है जो मेरे हिसाब से काफी अच्छा है देखिए मैंने अभी तक इस गाड़ी में चार पांच लोग बिठा के बहुत ख़राब सड़क पे नहीं चलाए या बड़े स्पीड ब्रेकर पे नहीं चलाए क्योंकि हम एक या दो दिन की ड्राइव मुश्किल से करते हैं और इसमें हमारे पास इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है टू डू सच टेस्ट वो तो आपको हमारे असली टेस्ट में ही मिलेगा जो हम आपके लिए कुछ दिनों में लाने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट थिंग इसमें आपको सोलह इंच के व्हील्स आते हैं अलॉयज आते हैं ऑफकोर्स फ्रंट में आपको डिस्क दिया हुआ है रियर में आपको ड्रम दिया हुआ है ऑन द वन लीटर टर्बो पेट्रोल अब अगर मैं रियर की तरफ जाऊँ इस गाड़ी की तो यहाँ पर स्टाइलिंग जो है इसकी इज़ वॉट आई रियली लाइक मतलब फ्रंट अच्छा है बट रियर मुझे सबसे ज्यादा अपीलिंग लगा है रियर पे आपकी जो एल ई डी टेल लैम्प है जो डिज़ाइन है वो कहीं ना कहीं ऑक्टाव या सुपर से रेजोनेट करती है इन इट्स ओवरऑल स्टाइलिंग और इस गाड़ी की बूट स्पेस भी काफ़ी बड़ी अब बूट स्पेस में बोलो तो इसको 500 लीटर से ज़्यादा बूट है सीट भी फोल्ड होती है रियर की इस वजह से आपके पास हज़ार थाउजेंड फिफ्टी लीटर्स की बूट स्पेस बन जाती है अगर आपको सिर्फ नंबर्स में इंटरेस्ट है वरना Uh, अगर मैं रियल टर्म्स में बात करूँ तो अगर आप कोई भी एस यू वी ये कैटेगरी में देखते हो तो उससे तो बड़ी बूट स्पेस है होंडा uh, सिटी में भी लगभग उतनी बूट स्पेस आ जाती है ज़्यादा डिफरेंस नहीं है बट क्योंकि इसकी सीट्स फोल्ड होती है तो इसमें ये एक एडवांटेज आ जाता है स्पेयर टायर जो इसका आता है फुल साइज है यानी कि जो सोलह इंच का स्पेयर टायर है और जो फुल साइज नॉर्मल टायर है सेम है एग्जैक्टली सो यू कैन इजीली चेंज देम ऐसे नहीं कि वो डोनट दिया हुआ है एक मेरी कंप्लेन ये रहेगी कि जो बूट है इसका वो इतना ही खुलता है वेरस जो ऑक्टाविया आती है सुपर आती है सौडा की दूसरी सडाइन आती है उनका बूट जो है ना नॉचबैक की तरह खुलता है यानी कि वो समवेयर यहाँ ऊपर से खुलता है विच मीन्स ये पूरा खुलता है इंक्लूडिंग दिस ग्लास तो इसे एरिया बढ़ जाती है कॉस्ट भी बढ़ जाता है बट आई थिंक कहीं ना कहीं उन्हें एक फिक्स चूज़ करना पड़ा होगा कि कॉस्ट बढ़ाएं या फिर ये फीचर्स दें ओके okay, इधर पीछे आपको शाक्फिन एंटेना भी आ जाता है इस गाड़ी के अंदर आई थिंक मैंने फीचर्स के बारे में आपके लिए ऑलरेडी बहुत कुछ पहले भी कवर किया हुआ है एक्सटीरियर में डिटेल में अच्छे से बात की है uh, अब गाड़ी के अंदर जाते हैं डिजाइन बताते हैं स्पेस बताते हैं एंड वी विल ड्राइव द कार सो वॉट आर वी वेटिंग फॉर लेट्स गो स्कॉडा स्लाविया के अगर आप इंटीरियर देखते तो आपको ब्लैक एंड बेच का अच्छा खासा कॉम्बिनेशन यहाँ मिल जाता है और साथ में एक सटली गोल्डन कलर भी इंटीग्रेट किया हुआ है बहुत अच्छे से को डाला हुआ है तो आपको अगर गौर से हाँ, बट जो, जो बिल्ड क्वालिटी है, है वहां पे मेरी कोई भी ऐसे मेजर कंप्लेन नहीं है आई मीन यू नो ये नहीं है ये सही नहीं है वो चीजों को यहां ध्यान रखा गया जो uh, कुशाक में हमारी कंप्लेन थी कि ये पार्ट काफी सॉफ्ट है तो ये अभी पहले से बेटर कर दिया गया बट अभी भी थोड़ा सॉफ्ट है इसका ओके, मूविंग ऑन टू अदर थिंग्स। कैरेक्टर जो फील रहता है बिल्ड वो, वो यहाँ पे आपको मिल जाता है।, है और कैबिन एकदम अच्छा खासा इंसुलेटेड भी फील होता है इसकी जो ड्राइवर सीट है एक तो वो इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल नहीं है वो मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा सीट हाइट एडजस्टमेंट भी आता है पर जो कंफर्ट ये देती है वो अच्छी खासी है सीट थोड़ी फर्म है तो लॉन्ग ट्रिप्स पे जाएंगे तो थकावट नहीं होगी इट फील्स वेरी नाइस एंड कंफर्टेबल टू सिट ऑन एंड मेरे हिसाब से ये वन ऑफ द मोस्ट कंफर्टेबल सीट्स है इन दिस कैटेगरी स्टीयरिंग व्हील की अगर बात कर लू तो इसमें आपको मिलता है हाइट एडजस्टमेंट और रीच भी आ जाता है तो ये कंप्लीटली टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील है एंड जो पेडल्स है वहां पे आपको लेफ्ट फुट के लिए एक डेड पेडल भी मिल जाता है जहां पे आप अपना पैर रेस्ट कर सकते हैं ये कब यूजफुल रहता है जब आप हाईवे पे जा रहे हैं तो आप ज़्यादा गियर शिफ्ट नहीं करते या अगर आपकी ऑटोमेटिक है तो आप लेफ्ट फुट आप यूज नहीं कर रहे तो लेफ्ट फुट आराम से उधर कंफर्टेबली स्टे कर सकते हैं वरना इट बिकम्स अ लिटिल अनकंफर्टेबल वो लेफ्ट पैर के लिए एकदम फ्लैट बैठने को उसके अलावा इसका हॉर्न सुनाते हैं तो इसका हॉर्न काफी लाउड है इसमें आपको डिजिटल कॉकपिट भी आता है जो आपका इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है वो कम्पलीटली डिजिटल है तो इसमें आप अलग अलग मोड्स के हिसाब से सेट कर सकते हो आपको क्या कैसा चाहिए एंड यू टू डू इट टच स्क्रीन सिस्टम इसका रिस्पॉन्सिव है ब्राइटनेस uh, काफी अच्छी है एंड कहीं पे भी लैग फील नहीं होगा आपको हाँ इसका जो रिवर्स कैमरा है दैट्स डिसेंट इन क्वालिटी हमने कुशाक में भी यही सेम कैमरा को एक्सपीरियंस किया था तो रात में इट फील्स ओके प्लस जब मैं आ, टर्न करने की कोशिश करता हूँ तो वो एकदम फिक्स रहता है तो आई फील वो डायनेमिक होता है तो वो ज़्यादा हेल्पफुल बन जाता है इसमें आपको वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले दोनों आ जाते हैं और मैं अभी आपको सुनाता हूँ म्यूज़िक क्योंकि इसमें आपको सब ओफर आता है एंड जो आपका ऑडियो क्वालिटी इज़ वेरी गुड आपके पास वायरलेस चार्जिंग भी मिल जाता है इस गाड़ी के अंदर आपके पास एक 12 वोल्ट का चार्जिंग पॉइंट है आगे की तरफ प्लस दो टाइप सी चार्जिंग आते हैं गाड़ी में दो टाइप सी फॉर फ्रंट पैसेंजर्स एंड रियर पैसेंजर्स को भी दो मिल जाते अब इसमें अगर मैं स्टोरेज स्पेसिस की बात कर लू तो आपके पास काफी सारी जगह है डोर पैड्स में एक लीटर की एक या दो बॉटल तो बैठ जाएगी डिपेंडिंग कैसी शेप एंड साइज है आपके पास आर्म रेस्ट के नीचे स्टोरेज है तो आपका फोन चार्जर बाकी सारी चीजें बैठ सकती है आपके जो कप होल्डर्स है फ्रंट में वहाँ पे फर्स्ट वाला जो कप होल्डर है वहाँ पे आप अगर कप रखते तो क्या होता है जनरली हम दो हाथ से रखते ताकि वो हिले नहीं तो यहाँ पे उसको नीचे ऐसे पॉइंट्स दिए हुए जिससे वो सीधा कप को पकड़ लेगा ताकि आपका कप हिले नहीं उसके बाद स्टीयरिंग व्हील के राइट right साइड में नीचे आपके पास स्टोरेज दी हुई है तो आपके सैनिटाइजर एंड छोटी मोटी दूसरी चीज़ें आराम से यहाँ भी बैठ सकती है आपके डोर पैड्स में एक और एक ऐसा फीचर दिया हुआ है जिससे आप स्टोरेज और बेटर यूज कर सकते हैं तो अगर आपको बुक या पेपर रखना है वहाँ पे वो भी आप इजीली रख सकते हैं आपके पास आगे कोई फास्ट टैग या कुछ कार्ड लगाना है तो आप वो भी आगे लगा सकते हैं ये सब सारे कौड़ा के वो सिंपली क्लेवर फीचर्स ये लोग कहते हैं तो इसमें यहाँ आपको वो सारी चीज़ें मिल जाती है उसके अलावा अगर मैं डोर ओपनिंग की बात कर लूँ तो डोर काफी अच्छा खासा वाइड खुल जाता है उतरने चढ़ने में प्रॉब्लम नहीं होगी फ्रंट एंड रियर में कोर्स इट्स तो सेडान तो थोड़ी लो रहेगी एस में क्या आप इजीली स्लाइड इन कर सकते हो यहाँ पे थोड़ा आपको झुक के जाना पड़ेगा कंपेरेटिवली बट ऐसे कोई दिक्कत नहीं ऐसी नहीं कि बहुत लो जाना है वहाँ पे आपको कोई कंसर्न नहीं होगा फ्रंट की बातें तो बहुत हो गई अब सेफ्टी के बारे में बात करते हैं इस गाड़ी में आपको छः एयरबैग्स आते हैं ए बी एस प्लस ई बी डी आता है एंड कुछ कुछ फीचर्स आपको स्टैंडर्ड आते हैं बेस मॉडल से जैसे ए बी एस प्लस ई बी डी ट्रैक्शन कंट्रोल एस ई का जो फुल चीजें हैं तीनों ई एस सी वी एस सी वी एस सी वो सारी चीजें आपको स्टैंडर्ड आती है बेस मॉडल से और इसमें आपको डिस्क ब्रेक वाइपिंग भी शुरू से ही मिलता है फ्रॉम द एंट्री लेवल मॉडल उसके पास आगे भी यहाँ पे अगर कोई मूर्ति लगानी है आपको तो उसके लिए एक स्लॉट दे दिया गया है एंड आपको जो मिरर आता है उसमें आपको डे एंड नाइट ऑटो दिया हुआ है तो ये जो वेरियंट हम चला रहे हैं वो है, स्टाइल वेरियंट इसमें आपको आता है सनरूफ आपके पास वेंटिलेटेड सीट्स है फॉर ड्राइवर एंड को ड्राइवर एंड साथ में आपके पास एयर प्योरीफायर भी आता है जो आपके जो क्लाइमेट कंट्रोल है उसके अंदर ही इनबिल्ट आता है बहुत हो गया आगे की बातें लेट्स गो आन बैक सीट अगर मैं रियर सीट की बात कर लूँ तो यहाँ पे मेरे पास अच्छा खासा नीरम है अगर मैं एकदम स्ट्रेट बैठता हूँ तो मेरा सर ऑलमोस्ट टच होता है बट जस्ट हल्का सा स्पेस बाकी है थोड़ा लो बैठूँ तो भी मेरे पास नीरों की प्रॉब्लम नहीं है आई कैन सिट कम्फर्टेबली कोई इशू नहीं है थाई सपोर्ट इज डिसेंट बहुत ज़्यादा नहीं है यहाँ पे अगर मैं स्ट्रेट बैठता हूँ तो थाई सपोर्ट अच्छा है वरना अगर मैं थोड़ा झुक के बैठता हूँ तो थाई सपोर्ट काफ़ी कम है कम्पेरेटिवली सीट वाइड है बट तीन लोगों का बैठना पॉसिबल नहीं है तीसरा बंदा अगर मेरी तरह तीन रहे तो नहीं दो ही बैठ पाएंगे तो मैं इसे कंफर्टेबल फोर सीटर कह सकता हूँ बच्चा ट्रेवल करा तो ठीक है पांच बैठ के जा सकते हैं वरना इट्स अ प्रॉपर फोर सीटर तीन एडजस्टेबल हेड्रेस भी दिए हुए विच आई फील इज़ अ गुड पॉइंट यहाँ पे आपके पास बॉटल uh, होल्डर्स है इन द डोर आपके पास कप रखने की जगह है इन द आमरेस ए सी वेंट्स है पीछे के पैसेंजर्स को टाइप सी चार्जिंग पॉइंट है और अगर आप फ़ोन चार्ज पे रखते तो आप अपना फ़ोन को यहाँ सीट में भी डाल के रख सकते ताकि वो चार्ज होता रहे और आपको ज़मीन पे रखना ना पड़े प्लस इसकी सीट जो मैंने आपको बताया था फोल्ड होती है तो वो ऑलमोस्ट फुल फ्लैट ही हो जाती है जिस वजह से आपकी बूट स्पेस बढ़ जाती है तो ये ये या सिक्सटी फोर्टी है डबल वाला या वो सिंगल वाला फोल्ड करो आपके पास अच्छी खासी बूट स्पेस मिल जाती है इस गाड़ी के अंदर तो इससे आपकी प्रैक्टिकलिटी और एनहेंस हो जाएगी बहुत बातें होगी टाइम टू तो ड्राइव द कार चलो स्कॉडा स्लाविया की वन लीटर इंजन चलाते हैं अभी सबसे पहले ऑटोमेटिक चला रहा हूँ आज मैं तो एक सौ पंद्रह बी एच पी का पावर आता है तो ये सम सिमिलर है टू लीटर नेचुरली एस्पिरेटेड तो जो आती आती है सिटी आती है सिमिलर पावर दोनों में आपको रहेगा तो ये वन लीटर टर्बो एक्चुअली उनसे कम्पीट करती है अगर मैं इसके परफॉर्मेंस की बात कर लू कोई प्रॉब्लम नहीं है एक्सेट्र दबाओ थोड़ा रिस्पॉन्स स्लो करता है अगर मैं स्पोर्ट पर डालू तो ऑफकोर्स इट्स अ लॉट मोर क्विकर एंड रिस्पॉन्सिव लेकिन ओवरऑल इसका परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है कहीं पे भी स्ट्रगल नहीं है इसके इंजन में पिकअप uh, अच्छा है सिटी में चलाओगे हाईवे पे चलाओगे यू लॉट फील यार के पावर नहीं है मतलब आप 100 पे जाओ 120 पे जाओ एट नो पॉइंट एट नो पॉइंट यूड फील पावर नहीं है इन टर्म्स ऑफ राइड क्वालिटी गाड़ी की राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है मैंने इसे रियली ब्रोकन पैचेस पर चला है फोर्टी पे हो थर्टी पे हो ट्वेंटी पे हो अलग अलग स्पीड पे चला एंड इनफैक्ट आगे नहीं पीछे भी बैठ के देखा है राइड क्वालिटी बहुत अच्छी है

बैलेंस करनी पड़ती है इज़ हैंडलिंग ये एक शॉडा है ये एक शॉडा सेडान है तो यू डोंट हैव टू वरी अबाउट इट ओवरऑल जो राइड क्वालिटी है हैंडलिंग है एक परफेक्ट मिक्स एंड इवन जो स्टीयरिंग फीडबैक है इज एब्सोल्युटली परफेक्ट मतलब कोई प्रॉब्लम होएगा ही नहीं यू विल लव द कार टू ड्राइव अगर आप एक एंथुजियास्ट है इसके साथ साथ एक और एक चीज़ जो इस गाड़ी में आती है अगर आप सिग्नल पर रुकते हैं देन इन दैट केस आपको मिल जाता है स्टार्ट स्टॉप सिस्टम जिससे आपकी फ्यूल एफिशिएंसी बढ़ती है फ्यूल एफिशिएंसी की बात कर लो इस गाड़ी की तो आपको सिटी में लगभग 9 से 11 के बीच में आएगा एंड हाईवे पे ही आपको देगा क्लोज टू 12 टू 16। अगर आप 800 पे चलते हैं तो 14 से 16 आ जाएगा 100 से ज्यादा चलते हैं तो जनरली बारह से चौदह के बीच में आएगा आई एम जस्ट गिविंग यूर रफ नंबर्स यहाँ पे एक वाइटल पॉइंट एक गाड़ी का आता है अपहिल क्लाइम तो मैंने इसको अपहिल ले गया कोई प्रॉब्लम नहीं आराम से चढ़ गई इवन ब्रेकिंग मैंने टेस्ट किया ब्रेक्स आर वेरी सॉलिड मुझे लगा रियर डिस्क ब्रेक नहीं होगा तो कुड नॉट बी द बेस्ट बट कोई प्रॉब्लम नहीं था सो ओवरऑल आई एम अमेज विथ एवरीथिंग दैट दिस कार ऑफर्स एक लास्ट चीज जो मैंने आपको नहीं बताई है वो है कि इसमें आपको कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी आता है तो आप गाड़ी को ट्रैक कर सकते हो जियो फेन्स uh, कर सकते हो एंड इवन यू नो कार अनलॉक लॉक कर सकते हो लाइक लाइक द रेगुलर कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजीज जो आती है वो सारे फीचर्स आपको इस गाड़ी में भी उपलब्ध कराएंगे अगर आपको बॉनेट का एज देखना है भाई सडैन में आप नहीं देख सकते हो आई एम जस्ट मेकिंग अ पॉइंट क्लियर क्योंकि इसका बॉनेट थोड़ा लम्बा एंड थोड़ा यू नो स्लोपिंग है तो इस वजह से आप बॉनेट का एज नहीं देख पाओगे तो अगर आप सिटी में चलाते हो आपको थोड़ा यूज यूजुट होने में टाइम लगेगा अगर आप छोटी गाड़ी से स्लाविया uh, में अपग्रेड करो यू विल टेक सम टाइम हियर परफॉर्मेंस uh, की अगर मैं इसकी डायरेक्टली कम बात कर लूँ वर्ना से या फिर इवन फॉर द मैटर ऑफ सिटी से तो ये उनको अ गुड रन फॉर द मनी दे देगी विदाउट एनी डाउट प्लस इसमें आपको पैडल शिफ्टर्स भी आते हैं विच मेक्स अ ड्राइव रियली नाइस अगर आपको गाड़ी ज्यादा पुश करने को मजा आता है और आपको माइलेज भी चाहिए साथ में uh, या फिर आप ज़्यादा फैमिली ओरिएंटेड गाड़ी की तरफ जाना चाहते हैं तो इसका वन लीटर अच्छा चॉइस बन जाता है क्या वन पॉइंट फाइव मेक सेंस तो जो 1.5 लीटर इंजन है उसका रिव्यू आपको मिलेगा हमसे ऑन थर्ड ऑफ मार्च डेट मार्क कर लीजिए अब स्ट्रेट सवाल क्या आपको लेनी 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 चाहिए सिटी लेनी चाहिए वर्ना लेनी चाहिए सिटी या कुछ और लेना चाहिए क्रेटा हो गया या फिर यू you नो know, कुशाक हो गई बहुत सारी और गाड़ियां मार्केट में आपके लिए कौन सी गाड़ी सही है क्या यह आपकी रिक्वायरमेंट्स को टिक करती है या नहीं लेट्स फाइंड आउट ऑन गोडिक की बारी क्या आपको इसको लेना चाहिए कोई और सडाइन लेनी चाहिए क्या आपको ए लेना चाहिए ये सारे फैक्ट्स मैं क्लैरिफाई करता हूँ देखिए स्लाविया जो है इसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस मिलता है फीचर्स मिल जाते हैं बिल्ड क्वालिटी गाड़ी की अच्छी है चलाने में मजा आएगा आपको सो so, ओवरऑल एक अच्छा पैकेज आपके लिए यहाँ बन जाता है अब बात करते हैं इसके मेंटेनेंस कॉस्ट की स्कॉडा uh, की मेंटेनेंस कितनी रहेगी इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू से दैट क्योंकि ये गाड़ी लॉन्च नहीं हुई है मार्केट में अभी पर मैं आपको ये कह सकता हूँ कि इनके जो पैक्स आते हैं वो आप ले सकते हैं लेकिन इनका एक चार साल का पैक आता है जिसमें आपको चौबीस साढ़े चौबीस हज़ार में सब कवर हो जाता है मेरे हिसाब से एक अच्छा ऑप्शन बन सकता है आपके लिए हावेवर अगर आपको डाउट है कि मैं ये गाड़ी लूँ या हॉन्डा सिटी लूँ या वरना तो उसका तो मैं आपके लिए डिटेल कंपैरिजन लाऊंगा बट मैं ये कह सकता हूँ फिलहाल ये गाड़ी काफ़ी स्ट्रांग लग रही है उन दोनों के सामने क्योंकि एक नया प्लेयर है और जो चीज़ें ये ऑफर कर रही है वो एक बहुत अच्छा पैकेज बन जाता है जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा था तब इसकी प्राइस नहीं आई थी बट जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब इस गाड़ी की प्राइस मार्केट में आ जाएगी तो शायद वीडियो पहले चला जाए या शाम को जाए वीडियो वीडियो तो सुबह नौ बजे जा रहा है बट इसकी प्राइस अगर दोपहर तक आती है तो आपको थोड़ा समय रुकना पड़ेगा हमारे ट्विटर या इंस्टाग्राम पे आप देख सकते हो हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पे भी इसका प्राइस आ जाएगा अगर मैं अपनी एक्सपेक्टेड ऑन रोड प्राइसिंग की बात कर लूँ तो ये लगभग साढ़े ग्यारह लाख से अठारह लाख रुपए तक इसकी ऑन रोड मुंबई प्राइज होनी चाहिए थोड़ी ज़्यादा हो भी सकती है यस इनिशियली थोड़ा कम करके एग्रेसिव होने की कोशिश किया जाए फ्रॉम शोड़ा बट एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ ये गाड़ी कहते हैं ना जो ट्रू सड फन है वो डेफिनेटली जिंदा करती है अब ये गाड़ी एक और एक प्रॉब्लम फेस करेगी इज़ फ्रॉम एस क्योंकि आज जो एस आती है वो आपको बहुत कुछ देती है एंड फीचर्स अगर मैं दो मिनट के लिए साइड भी रख दूँ एस एक सॉर्ट ऑफ लाइफ बन गया है बहुत लोगों के लिए सो so, अगर आप वहाँ कन्फ्यूज़ हैं वहां पे आपको पहले डिसाइड करना होगा कि आपको क्या चाहिए आपको एक प्रीमियम से डैंड टाइप फील चाहिए या आपको एक डिफरेंट काइंड ऑफ लाइफ स्टाइल चाहिए जो थोड़ा ज्यादा एडवेंचरस हो so, पहले वो डिसाइड कीजिए अगर आपको अभी भी डाउट्स है आपको कौन सी लेनी चाहिए आपको आपके रिक्वायरमेंट्स पता है लेकिन फिर भी नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझसे डायरेक्टली बात कर सकते हैं इट्स वेरी सिंपल आप मेरे से बात कर सकते हैं मेरी टीम में काफी एक्सपर्ट्स हैं वो आपके साथ फोन कॉल पर जुड़ के आपके सारे डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं करना बहुत सिंपल चीज़ है आपको हमारे वेबसाइट पर जाना है मोटरॉकटेन डॉट कॉम स्लैश कार हाइफिन कंसल्टेंसी वहाँ जाके अपने कुछ डिटेल्स भरने हैं आपको क्या क्या चाहिए आपकी डाउट क्या है एंड कॉल टाइम बुक करना है बहुत सिंपल है इट्स नथिंग कन्फ्यूजिंग हम चाहते हैं कि आप गलत गाड़ी के साथ एंड अप ना करो इसलिए हमने आपके लिए ये सर्विस को एक्टिवेट किया है एंड मोर ओवर अगर आप ऐसे और वीडियोस देखना चाहते हैं इन द कमिंग डेज तो पहले तो लाइक कीजिए ताकि मुझे एनकरेजमेंट मिले टू मेक मोर वीडियोज फॉर यू एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए क्योंकि हम कोशिश करेंगे इन गाड़ियों का कंपेरिजन लाने के लिए ऐसे नहीं कि कल ही लाऊंगा परसों लाऊंगा नहीं थोड़ा टाइम जाएगा यू हैव टू बी लिटिल मोर पेशेंट बट आपको हमसे इनका कंपेरिजन कभी ना कभी एक डेढ़ महीने के अंदर मिल जाना चाहिए तो ये था मेरा आज का वीडियो ऑन द स्कॉडा स्लाविया वन लीटर आपको तीन तारीख को मिलेगा 1.5 लीटर का रिव्यू सो वेट फॉर दैट आल्सो एंड हा मिलेंगे कल फिर से एक नई वीडियो के साथ क्योंकि कल हम कुछ स्पेशल करने वाले हैं एंड परसों आपको मिलेगा मारुति बलेनो का डिटेल रिव्यू भी दैट्स ऑल वी डी फॉर राइट नाउ सी यू टुमारो बाय गाइस